कानपुर के विक्रो कान गांव में। आपको बता दें 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के ठीक 51 मिनट पहले विकास दुबे और उस सिपाही के बीच में बातचीत का एक्सक्लूसिव ऑडियो भी अब सामने आया है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हाथ किया गया है ऑडियो, जिसमें विकास दुबे सिपाही से लाशें गिरा देने की बात करता हुआ सुनाई दे रहा है। तो कानपुर कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से ठीक 51 मिनट पहले जो बातचीत हुई थी उसका ऑडियो सामने आया है, एक बार सुनिए। हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है ये। अच्छा, एक महिला से होने जी, समझे जी, मुझे कसम है अगर आप जिंदगी की फरारी कर रही बोले जी, इतना बड़ा पॉइंट करूंगा फिर भी चाहते हो कि हाँ किसी को बाला पड़ा। रुको, हमें एक बार पहुंच ले तो हमको ले गया, हमें तो रुक रहा अगर पूरी जी जी खून करूंगा इसको जिंदगी कटूंगा जीवन जी जी हाँ बता रहा हूँ। आप विकास के देख शिकार लोग, अरे हमें मार नहीं लूंगा तब रुको तो हमें जाने दो, तो हमें जाने दो, हम पहुंचो नहीं तो चलने वाला है। अभी रुको तो आप हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम, बताता रहा हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या? पुलिस हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है ये। अच्छा, एक महिला से होने जी, समझे जी, मुझे कसम है अगर आप जिंदगी की फरारी कर रही बोले जी, इतना बड़ा पॉइंट करूंगा फिर भी चाहते हो कि हाँ किसी को बाला पड़ा। रुको, हमें एक बार पहुंच ले तो हमको ले गया, हमें तो रुक रहा अगर पूरी जी जी खून करूंगा इसको जिंदगी कटूंगा जीवन जी जी हाँ बता रहा हूँ। आप विकास के देख शिकार लोग, अरे हमें मार नहीं लूंगा तब रुको तो हमें जाने दो, तो हमें जाने दो, हम पहुंचो नहीं तो चलने वाला है। अभी रुको तो आप हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम, बताता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर साफ लहजों में हालांकि कुछ ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल किया है जो कि बताया नहीं जा सकता। आपको बता दें विकास दुबे यहाँ पर सिपाहियों के साथ कैसे लाश बिछाने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर जो सुन रहा है वो भी पुलिसकर्मी ही है, ऐसी जानकारी है कि सिपाही है जो विकास दुबे और सिपाही के बीच में ये बातचीत हो रही है। विकास दुबे अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी भरे लहजे में बता रहा है कि उन्हें रोका जाए नहीं तो वो कैसे लाशें बिछा देगा, इसकी धमकी दे जा रही है। और सिपाही कह रहा है कि एक बात सुनिए, हमें जाने तो दीजिए वहां पर, और जी जी करके तमाम बातों का वो जवाब भी सिपाही दे रहा है। और ये सुना आपने खूनी रात में किस तरह से उस दिन विकास दुबे ने ठीक इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले 51 मिनट पहले जो विकास दुबे और सिपाही के बीच में जो बातचीत हुई है इसका एक्सक्लूसिव ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर धमकी दे रहा है विकास दुबे, सिपाही उसको चुपचाप सुन भी रहा है। और हमारे साथ पूर्व डीजीपी एके जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ऑडियो है ये सुनना बेहद जरूरी है आपके लिए, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि विकास दुबे पहले ही ये अपने मन में बैठा चुका था कि अगर पुलिसकर्मी वहां पर उसको पकड़ने के लिए पहुंचेंगे तो वहां पर वो लाशें गिरा देगा। हुआ क्या? पुलिस हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिखवा रहा है ये। अच्छा, एक महिला से होने जी, समझे जी, मुझे कसम है अगर आप जिंदगी की फरारी कर रही बोले जी, इतना बड़ा पॉइंट करूंगा
फिर भी चाहते हो कि हाँ किसी को पाला पड़ा। रुको हमें एक बार पूछ ले तो हम बोले हमें तो रुका रहा अगर पूरी दिया जाए जी जी जिंदगी कटूंगा जीवन जी जी बता रहा हूँ वो आप बिगाड़ के शिकार लोग मार नहीं लूंगा तब रुको तो हमें जाने तो दो हमें जाने तो दो हम पहुंचो नहीं तो चलने वाला है अभी रुको तो आप हमें तो समझ दो सब समझाएंगे हम बताओ ठीक हो गया।